वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा जी, आज आप टेंथ क्लास का नैट सैंपल पेपर फिफ्थ मैथमेटिक्स करन जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। चलो आप स्टार्ट करते हैं। रूट फाइव माइनस रूट थ्री माइनस थ्री माइनस टू। रूट फाइव माइनस थ्री माइनस टू कितना बन गया बेटा जी? माइनस दे फाइव। रूट फाइव की है बेटा जी एक इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। ता सारी संख्या की होगी अपने कोल अपरमेय संख्या, मीन्स अ इरेशनल नंबर। देखो बेटा अगे, दो संख्यावां दा मम्मा सस्सा वावा एक है तो इन्हां संख्यावां नूं कहा जांदा है। इफ द एच सी एफ टू नंबर इज वन दैन द टू नंबर आर कॉल्ड, किहड़े नंबर हुंदे ने बेटा जी? ओह कोप्राइम। ठीक है बेटा, किहड़े हुंदे ने? कोप्राइम, जिन्हां दा एच सी एफ की होवे वन। नैक्सट देखो बेटा, एक वास्तविक संख्या ए नूं बहुपद एफ एक्स का जीरो कहा जाता है जेकर ए रीयल नंबर इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स। इफ कदों कहा जाता? जदों बेटा उस रकम के उस जीरो नूं पुट करिए। ठीक है, तो आंसर की आ जाए अपने को जीरो। ठीक है, तो आप बेटा ए नूं की कहेंगे? उस पोलिनोमियल की जीरो, मीनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। नैक्सट है बेटा, जे अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्केयर प्लस फाइव एक्स प्लस एट दियाँ सिफरां हन तो अल्फा बीटा है। देखो बेटा, अल्फा बीटा की ने? जीरोज़ ने ऑफ द पोलिनोमियल अल्फा बीटा, मीनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का की फॉर्मूला होंदा बेटा जी? कॉन्स्टेंट टर्म, अचल पद मीनस एट, बटा कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्केयर मीनस किन्ना बेटा अपने को वन। एट बाय वन किन्ना आ गया अपने कोल? एट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किन्ना आ गया बेटा जी अपने कोल? एट। ऑप्शन च देखो केड़ा आंसर आ गया? फोर्थ। नैक्सट देखो, समीकरण की जोड़ी दा द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव, आप दसना बेटा किहो जिहा हल हो गया दा। आप ग्राफ ते प्लॉट करते हैं, देखो तुहानू क्लीयर हो जूगा। जिवें देखो बेटा, यह एक्स आ, यह माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। ठीक है बेटा, उस तो बाद देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन माइनस दे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फोर फाइव वन टू थ्री फोर। चलो बेटा मैं कुछ को ड्रा कर ले। नैक्सट देखो बेटा, वाई इक्वल टू जीरो, वाई जीरो कितने होंगे? एक्स एक्सिस से। ठीक है बेटा, वाई जीरो कितने होंगे? एक्स एक्सिस से, मतलब वाई इक्वल टू जीरो वाली लाइन थोड़ी आ वाली बन गई। ठीक है, वाई इक्वल टू जीरो। अगे है बेटा वाई इज इक्वल टू माइनस दे सत्त, वाई कि बेटा अपने को माइनस दे सैवन, कि बनूगी? टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन, दिस वन। ठीक है, ये है बेटा अपने को वाई इज इक्वल टू माइनस सैवन। हूँ देखो जो दोनों लाइनस ने की हल है, कट दी ने? नहीं, इट मीनस कोई हल नहीं है बेटा। ठीक है, नो सोल्यूशंस। अपना आंसर आ गया बेटा जी फोर्थ वन। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में समांतर रेखावां ने बेटा। अपना आंसर आ गया फोर्थ सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। नैक्सट है बेटा अपने कोल, के दा मुल पता करो जिस दे समीकरण दी प्रणाली दे अनंत हल हो। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। देखो बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशनस का की फार्मूला होंगे? ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। ठीक है, ए वन किन्ना बेटा अपने कोल? टू। ए टू किन्ना बेटा अपने कोल? फोर, एक्स के कोफिशियंट्स। बी वन बी टू की होंगे बेटा जी? वाई के कोफिशियंट्स, थ्री बाय के। सी वन सी टू कॉन्स्टेंट टर्म, फाइव बाय टेन। ठीक है बेटा, आ भी कैंसल आउट हो गया वन बाय टू, आ भी कैंसल आउट हो गया वन बाय टू। पहले दो इक्वेशन ले लेने बेटा आप, वन बाय टू इज इक्वल टू थ्री बाय के, इन क्रॉस आउट कर दो तो के दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने कोल? सिक्स। ठीक है बेटा, अपना आंसर कितना आ गया? सिक्स। नैक्सट देखो बेटा, नैक्सट क्वेश्चन है बेटा अपने कोल, जे समीकरण के मूल वास्तविक अते विलक्षण होन तां, इफ द इक्वेशन हैव रीयल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स दैन,
रीयल ते डिस्टिंक्ट रूल ने बेटा, तो की कंडीशन होंगी अपने को डिस्क्रिमिनेंट दी, डी ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, जनरल इक्वेशन की होंगे बेटा अपने को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, देखो ए दी वैल्यू कितनी आ गई अपने को वन, बी दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी फोर, सी दी वैल्यू कितनी आ गई अपने को के। डी कढ़ांगे बेटा आप, की फार्मूला होंदा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है बेटा, बी कितने अपने को फोर द स्क्वायर माइनस फोर, ए कितने बेटा वन, सी कितने अपने को के। ए बन गए बेटा फोर द स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर के। ठीक है बेटा, हम इसे पुट कर दो, डी की वैल्यू हैगी है सिक्सटीन माइनस फोर के ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, माइनस फोर के ग्रेटर दैन कितना बन गया बेटे जी इधर आके माइनस दे सिक्सटीन, तो के दी वैल्यू कितनी आ जाए बेटा हुण दोनों पासे माइनस आ। ठीक है, जो बटिया जाऊगा बेटा साइन चेंज हो जाएगा, जिमें देखो अपने को माइनस थ्री आ, एक ग्रेटर होंदा माइनस फोर नालों, पर दोनों पासे माइनस कैंसल करांगे तो थ्री है बेटा और लैस बन जूगा फोर नालों। ठीक है, तो बेटा अपने को आ जूगा के लैस दैन माइनस सिक्सटीन बाय माइनस दे फोर, ए कैंसल आउट हो गया तो के दी वैल्यू लैस आ गई बेटा जी फोर। देखो कि आंसर बेटा अपना फर्स्ट वन। नैक्सट है, जे एक्स इक्वल टू जीरो समीकरणा का सांझा मूल है, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस दैन ए माइनस बी की वैल्यू बेटा आपने फाइंड आउट करनी है। देखो देखो बेटा ये एक्स इज इक्वल टू जीरो समीकरण का सांझा मूल आ। ठीक है, मतलब कॉमन रूट है ये, तो दोनों इक्वेशन की होगा बेटा जी ये सैटिस्फाई, मतलब बेटा इस वैल्यू पुट करा एक्स की थान पर आप टू तो आंसर क्या होगा अपने को जीरो। भरो वैल्यूज बेटा, ए एक्स का स्क्वायर मीनस टू का स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स कि अपने को टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टू का स्क्वायर कि बन गया बेटा फोर, फोर ए टू प्लस टू फोर इक्वल टू जीरो, फोर ए की वैल्यू कि आ गई बेटा जी अपने को माइनस फोर, ए की वैल्यू कि आ गई माइनस फोर बाय फोर, ए कैंसल आउट हो गया बेटा, ए कि आ गया अपने को माइनस दे वन। हूँ बेटा सैकेंड इक्वेशन पुट करो, जिथे एक्स आ तो की पुट करा आप टू, ए बन गया बेटा टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, टू का स्क्वायर फोर, टू नू टू ना किता बेटा जी फोर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, फोर प्लस फोर किन्ने बन गए एट, एट प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यदा मतलब बेटा जी बी की वैल्यू कि आ गई अपने को माइनस दे एट। हूँ आप वैल्यू कि फाइंड आउट करनी है, ए माइनस बी की। ठीक है, ए कि बेटा अपने को माइनस वन, बी कि अपने को माइनस दे एट, माइनस वन माइनस माइनस प्लस एट। ठीक है, एट चो वन गया बेटा अपने कि आ गए सैवन, मीनस ए माइनस बी की वैल्यू कि आ गई अपने को सैवन। देखो ऑप्शन दे विच केड़ा आंसर आ, फोर्थ वन। ठीक है बेटा, नैक्सट देखो, जे पी माइनस वन पी प्लस थ्री, थ्री पी माइनस वन अंक गणितक लड़ी विच हन तो पी बराबर है। देखो बेटा थ्री रकम्स ने अपने को ए पी च गिवन ने, अपा पी दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए पी का मतलब की है बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, बेटा तुसी डी वन कढ़ लो, की फार्मूला होंदा अपने को ए टू माइनस ए वन, ए टू किन्ना बेटा अपने को पी प्लस थ्री माइनस ए वन माइनस पी माइनस वन, ये बन गया बेटा पी प्लस थ्री, साइन चेंज हो जूगा माइनस दे पी प्लस वन, पी ना पी कैंसल आउट हो गया, थ्री प्लस वन किन्ना आ गया अपने को फोर। ठीक है बेटा, इदी तुसी डी टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री किन्ना बेटा अपने को थ्री पी माइनस वन, ए टू किन्ना बेटा अपने को पी प्लस थ्री, ए बन गया अपने को थ्री पी माइनस वन, साइन चेंज हो जाएगा माइनस पी माइनस दे थ्री, थ्री पी चो पी गए बेटा टू पी, माइनस वन माइनस थ्री किन्ने बन गए माइनस दे फोर, क्योंकि बेटा है ए पी है तो कॉमन डिफरेंस की होएगा सेम। ठीक है, यदा मतलब डी वन कि बराबर होएगा डी टू दे,
बराबर रख लो बेटा, डी वन किन्ना 4, डी टू किन्ना अपने को 2p माइनस दे 4। देखो 4 इधर आके प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2p, ठीक है। 4 प्लस 4 किन्ने बन गए 8, 8 बाय 2 इज इक्वल टू पी, ये कैंसल आउट हो गया बेटा, तो पी की वैल्यू किन्नी आ गई अपने को 4, ठीक है। देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर आ, फर्स्ट वन, क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो, नैक्सट है बेटा अपने को, जे एक घड़ी 1 बजे विच एक बार, 2 बजे च 2 बार, 3 बजे च 3 बार, इस तरह अगे घंटे बजाती है, अते 1 बार फिर 1 बजे, इस तरह अगे घंटे बजाती है, तो 2 दिनों के समय विच यह घड़ी कुल कितनी घंटियां बजावेगी, ठीक है बेटा। इफ ए क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस 2 o'clock एंड सो ऑन, अपने ये देखना बेटा 2 डेज़ के विच कितनी बार यह घंटियां बजाएगी, ठीक है, बैल स्ट्रक करेगी। देखो टोटल अपने को बेटा पर किन्ने होंगे ने अपने को, हाफ डे ला के चलो किन्ने हो गए अपने को 12 hours, ठीक है। जिम्मे 1 घंटे च 1 बार, 2 घंटे च 2 बार, 3 घंटे च 3 बार, आप 12 घंटे लेके चलते हैं, किन्नी बार होगी बेटा जी 12 बार, ठीक है। किन्नी बार बजूगी 12 घंटे की लावे आप, भी कोई कॉमन डिफरेंस सेम आ, ए कि आ गया अपने को 1, डी कि आ गया बेटा 2 माइनस 1 1, एस एन का फॉर्म लगा लो कि होंगे अपने को एन बाय 2 2a + n-1 d, एन किन्ने बेटा अपने को 12 12 बाय 2, 2a किन्ने अपने को 1 प्लस, एन किन्ने बेटा अपने को 12 माइनस 1, डी किन्ने अपने को 1, ये कट के किन्ना आ गया बेटा जी 6 6, 2 1 ना किता 2 प्लस, 12 च बन गए 11, 11 1 ना किता 11, ठीक है बेटा। ए बन गया 6 × 11 + 2 किन्ने बन गया अपने को 13, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करो बेटा किन्ना आ गया 78, ए हो गया अपने को 12 घंटे दे विच। हुण एक दिन दे विच 1 डे, एक दिन दे विच बेटा जी किन्ने घंटे होंगे ने अपने को 24, मतलब दुगने हो गए, तो एक दिन दे विच किन्नी बार बजूगी, इन्हें 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 78 × 2 156, ठीक है। ये एक दिन च आ गया बेटा, पर अपन पूछा 2 दिन च, मीनस 2 डेज़ के विच, वो किमें कैलकुलेट करांगे बेटा, दुगुना कर दो 156 × 2 मल्टीप्लाई करके किन्ना आ गया 312, ठीक है बेटा। देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर अपना 312। सैकेंड वन, नैक्सट देखो बेटा, चित्र विच ए डी पैरलर हैगी है बी सी दे, डी ई पैरलर हैगी है बी सी दे, ए डी का मुल है पता करना आपने, ठीक है बेटा। देखो अपने को है बेटा, देखो डी ई आ वो कि पैरलर आ बी सी दे, ट्रैंगल ए बी सी दे विच, तो कि थ्योरम यूज़ करांगे अपना, थेलस थ्योरम, मैं शॉर्टकट लिखती हाँ थेलस थ्योरम, की होंगे बेटा अपने को ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, बस वैल्यूज पुट कर दो, ए डी बेटा आप कैलकुलेट करना है, डी बी कि अपने को 7.2, ए ई कि बेटा 1.8, तो अपने को ई सी कि 5.4, ठीक है बेटा। इन क्रॉस आउट कर दो, ए बन गया ए डी इंटू 5.4 इज इक्वल टू 1.8 × 7.2, ठीक है बेटा। हुण देखो अपने को ए डी की वैल्यू आ गई 1.8 × 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4, पॉइंट हटा दो बेटा 18/10, ठीक है 72 इहदा पॉइंट तक 10 नीचे आ गया बेटा, इंटू 54 इहदा पॉइंट तक 10 उपर, ये कैंसल आउट हो गया बेटा, 18 × 3 = 54, ठीक है। 72 नू 3 ते डिवाइड करो बेटा किन्ना आ गया अपने कोल 24, ठीक है। नीचे की बचे अपने कोल 10, राइट साइड तो 1 डिजिट का पॉइंट लग जूगा, किन्ना आ जूगा 2.4, ठीक है।
अपने को बेटा ए डी कि आ गई 2.4। देखो ऑप्शन के आंसर है सैकेंड वन। ठीक है बेटा नैक्सट देखो, नैक्सट है बेटा अपने को एक लड़की पूर्व वाल 200 मीटर फिर उत्तर वाल 150 मीटर चलती है, शुरुआती बिंदु तो लड़की दूरी किन्नी है। ए गर्ल्स वाक 200 मीटर टवार्ड ईस्ट एंड देन वाक 150 टवार्ड नॉर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। देखो बेटा आप डायरेक्शन शो करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसट। ठीक है बेटा 200 टवार्ड कि वाला ईस्ट वाल, इधर देखो 200 गई मान लो ओ पॉइंट आ यह ए पॉइंट आ, दैन 150 टवार्ड नॉर्थ, फिर बेटा नॉर्थ वाल इन 150 मीटर इन बी पॉइंट मान लें। ठीक है हूँ बस स्टार्टिंग पॉइंट तो डिस्टेंस करनी है, मीनस ओ भी अपने कैलकुलेट करना है। देखो बेटा ये की बन गई एक राइट एंगल ट्रैंगल, तो कि थ्योरम यूज करांगे पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। की फार्मूला आंदा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीनस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 150 का स्क्वायर। ठीक है लंब दी दो प्लस आधार मीनस बेस 200 का स्क्वायर। ठीक है बेटा 150 नू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कि आ गया अपने को 22,500। ठीक है बेटा 200 नू 200 ना मल्टीप्लाई किया कि आ गया अपने को 40,000। हम इन ऐड अप करो बेटा कि आ गया अपने को 62500। एक कि स्केयर है बेटा जी 250 का। ठीक है बेटा ओ बी का स्केयर कि बराबर आ गया 250 का स्केयर, स्केयर पावर सेम ने बेटा बेस की होंगे इक्वल, इट इंप्लाई ओ बी कि आ गया अपने को 250 मीटर। ठीक है बेटा स्टार्टिंग पॉइंट तो डिस्टेंस कि आ गई 250 मीटर। देखो ऑप्शन दे विच बेटा सैकेंड वन। नैक्सट है बेटा अपने को ए बी सी ए डी ई एफ दो समरूप त्रिभुजा ने नाल ड्रा कर दें बेटा, सिमिलर ट्रैंगल्स ने ए बी सी। नैक्सट है बेटा अपने को डी ई एफ। ठीक है उहदे विच बेटा ए हैगा अपने को 47, ई हैगा अपने को 83, सी अपने कैलकुलेट करना है। सिंपल है बेटा दोनों सिमिलर ने समरूप ने तो करसपोंडिंग पार्ट्स की होंगे एंगल्स दे, करसपोंडिंग एंगल्स की होंगे इक्वल, जे ई 83 है बेटा तो बी भी किन्ना होगा 83, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के बेटा आप सी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अपन पता त्रिकोण के तिने कोणा जोड़ कि हों 180 डिग्री, 180 दे विचो बेटा इन्हों दोनों जोड़ के माइनस कर दो 47 प्लस 83 ये बन गया 180 माइनस 130 माइनस आके कि आ गया बेटा जी 50 डिग्री। ठीक है देखो ऑप्शन के आंसर अपना फस्ट वन। नैक्सट देखो बेटा एक्स दे किस मुल जो बिंदु ने समरेखी ने कुलीनियर ने, कुलीनियर कदों होंगे ने बेटा जो एरिया ऑफ ट्रैंगल कि बराबर हों 0 दे। ठीक है एरिया ऑफ ट्रैंगल कि बराबर हों अपने को 0। ठीक है त्रिकोण का खेत्रफल 0 हों, फार्मूला लगा दो 1/2 पॉइंट लिखो बेटा -3 12 7 6 x 9 जिहड़ा फर्स्ट स्टार्ट किया बेटा जितने पॉइंट तो उही आपां एंड ते लिखना -3 ते 12 इज इक्वल टू 0। 1/2 बेटा 0 ना खत्म हो गया, इहनूं सॉल्व करो राइट माइनस लैफ्ट 6 नूं 3 ना किया -18 -12 नूं 7 ना किया 84 प्लस राइट माइनस लैफ्ट 9 नूं 7 ना किया 63 6 नूं एक्स ना किया 6x प्लस राइट माइनस लैफ्ट 12 नूं एक्स ना किया 12x माइनस 9 नूं 3 ना किया 27 माइनस दे तो बेटा प्लस दे बन जाएंगे 27। ठीक है इज इक्वल टू 0। हुण देखो -18 -84 किन्ने बन गया अपने को -102 प्लस 63 -6x प्लस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है
माइनस सिक्स एक्स प्लस 12x किन्ने बन गया अपने को बेटा जी 6x प्लस दे माइनस 102 63 प्लस 27 किन्ने बन गया अपने को 90 इज इक्वल टू 0 ये बन गया बेटा जी 6x प्लस माइनस माइनस 102 च 90 के किन्ने आ गए 12 माइनस दे वड्डे ने माइनस 12 इज इक्वल टू 0 6x किन्ना बन गया बेटा जी 12 तो बेटा x की वैल्यू किन्नी आ गई 12/6 ये कैंसल आउट हो गया किन्ना आ गया 2 तो अपने को बेटा जी x की वैल्यू किन्नी आ गई 2 देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर आ थर्ड वन। नैक्सट देखो बेटा 15th बिंदु ए दी मूल बिंदु तो दूरी है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजन देखो बेटा एक पॉइंट ए आ माइनस 5 ते 6 ओरिजन अपना ले लिया ओ किन्ना अपने को 0 0 ठीक है डिस्टेंस फार्म लगाओ बेटा की हुंदा अपने को एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्यर इन्हें मैं एक्स टू वाई टू मान लें बेटा इन्हें मैं एक्स वन वाई वन मान लैनी हाँ ठीक है एक्स टू किन्ना अपने को माइनस 5 एक्स टू माइनस एक्स वन मीन 0 का स्क्यर प्लस वाई टू किन्ना अपने को 6 माइनस वाई वन किन्ना 0 का स्क्यर माइनस 5 का स्क्यर माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्यर 25 6 माइनस 0 6 6 का स्क्यर बेटा जी 36 ठीक है 25 दे विच बेटा 36 ऐड करो देखो किन्ना बन गया 61 तो अपना आंसर किन्ना आ गया बेटा जी रूट 61 देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर है थर्ड वन। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो साइन 2a बराबर 2 साइन ए सही है जो बेटा ए दी वैल्यू केड़ी विच पुट करे भी दोनों पासे इक्वल आ जाए केड़ी पुट करके आओ बेटा जी 0 क्योंकि साइन ऑफ 2a आ ठीक है 2a 0 पुट करता 2 नू 0 नाल मल्टीप्लाई किया 0 साइन 0 साइन 0 किन्ना हुंदा बेटा जी 0 जे राइट हैंड साइड लाओगे 2 साइन ऑफ ए इत्थे 0 पुट करोगे साइन 0 0 2 इंटू 0 किन्ना आ गया अपने कोल 0 तो ऑप्शन की आ गई बेटा जी अपने को फर्स्ट। नैक्सट देखो जे बी त्रिभुज ए बी सी का समकोण है तो कोस ए प्लस सी का मुल है देखो बेटा ये समकोण आ रहा कोई ट्रैंगल आ इट मीनस ट्रैंगल में तिने कोणा जोड़ के बराबर होगा 90 दे ए सॉरी बेटा 180 दे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 बी अपन 90 देता यदि वैल्यू पुट कर दो ए प्लस 90 प्लस सी इज इक्वल टू 180 तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 180 90 इधर आके माइनस हो जाएगा ए प्लस सी कितना आ गया बेटा अपने को 90 हुण तुसीं इहदी वैल्यू कैलकुलेट करो कॉस ऑफ ए प्लस सी ये बन गया बेटा कॉस ऑफ ए प्लस सी किन्ना अपने को 90 कॉस 90 किन्ना होंदा बेटा अपने को 0 ठीक है कॉस 90 किन्ना होंदा बेटा जी अपने को 0 तो देखो केड़ा आंसर बन गया अपने को फर्स्ट वन। नैक्सट देखो बेटा एक टावर की ऊंचाई 10 मीटर है हाइट ऑफ टावर इज 10 मीटर मैं नाल दी नाल ड्रा कर दी हाँ जो सूरज का उचान कोण 45 हो तो उसके परछावें की लंबाई की होगी मान लो बेटा परछावा यदा ठीक है शैडो आपकी लेंथ कैलकुलेट करनी आ सूरज का उचान कोण एलिवेशन ऑफ सन कि अपने को 45 नाम दे लो ए बी सी बी सी आप कैलकुलेट करनी बेटा ए बी अपने को हैगी आ ए बी तो बी सी दोनों च रिलेशन कढ़ो कि फार्मूला बनूगा टैन का टैन थीटा की फार्मूला हुंदा अपने को परपेंडिकुलर ओवर बेस लंब वटा आधार टैन थीटा किन्ना बेटा अपने को 45 पी किन्ना बेटा अपने को परपेंडिकुलर किन्ना 10 बेस बी सी आपने कैलकुलेट करना टैन 45 की वैल्यू किन्नी हुंदी बेटा जी 1 इज इक्वल टू 10 बाय बी सी 1 नू 1 बाय 1 लिख सकते हैं इहदा मतलब बी सी की वैल्यू किन्नी आ गई अपने को 10 मीटर ठीक है बेटा देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर आ फर्स्ट वन। नैक्सट सम बेटा आप नैक्सट वीडियो करांगे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।